नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रेसिपी बाजार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना मखाने की खीर। ये खीर आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान है। साबूदाना की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना, साबूदाना, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, काजू, बादाम, सेवई, चीनी, घी, दूध, मिल्क पाउडर, इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे और गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम काजू ऐड करेंगे और थोड़ी देर रोस्ट कर देंगे। काजू थोड़ी रोस्ट हो गई है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे उन्हें पहले अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। अब उसी घी में आलमंड्स ऐड करेंगे और रोस्ट कर लेंगे। आलमंड रोस्ट हो गई है, निकाल लेने हैं। अब हम मखाने को रोस्ट करेंगे। घी में कुछ मखाने ऐड करें। इन्हें कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ताकि मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाए। मखाने रोस्ट हो गई है, अब इन्हें निकाल लें। अब सेवई ऐड करेंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। सेवई ऑप्शनल है, आप चाहे ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी। मैंने पतली वाली सेवई ऐड की है, आप मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएगी और ज्यादा ब्राउन हो जाएगी। सेवई अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में एक चम्मच घी ऐड करेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना मैंने छोटी वाली ली है, आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं, चाहे बड़ी वाली हो या फिर छोटी वाली हो, आप अपने अकॉर्डिंग साबूदाना चूज करें। साबूदाना को भी हम घी में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो गई है, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में दूध ऐड करेंगे। मैंने हाफ लीटर दूध लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूध को ले। दूध को डायरेक्टली कच्ची ऐड ना करें, पहले हम एक बार थोड़ी बॉईल कर लेंगे, उसके बाद ही कढ़ाई में डालें। दूध को हम थोड़ी देर बॉईल कर लेंगे। दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो हम मिल्क पाउडर में थोड़ा दूध निकाल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने। इसे हम बाद में यूज करेंगे। दूध को हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे अच्छे से मिला मिला कर। अब रोस्ट किए हुए साबूदाना ऐड करेंगे बॉइलिंग मिल्क में। इसके बाद रोस्टेड सेवई ऐड करें। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही पकाते रहेंगे ताकि साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लगे और दूध में भी काफी अच्छा टेक्सचर आ जाए। अब इनमें रोस्टेड मखाने ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर ले। अब मिठास के लिए चीनी ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड करें, जितना आपको मीठा पसंद हो उस अकॉर्डिंग ही डालें। चीनी को गलने देंगे हम, अच्छे से मिक्स कर करके पकाते रहें। अब हम फ्लेवर के लिए इलायची को कूट लेंगे। हमने जो दूध और मिल्क पाउडर से जो सॉल्यूशन बनाया था अब उसे ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट इन्हें अच्छे से पकाएंगे ताकि मिल्क थोड़ी ठीक हो जाए। अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ते ऐड करें। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद की कोई भी यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप चाहे तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, काजू और आलमंड्स यूज किया है। थोड़ी देर पकने दें, थोड़ा और काजू ऐड करेंगे। अब कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। इन्हें थोड़ा मिक्स करेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी साबूदाना मखाने की खीर रेडी है, इन्हें निकाल लेंगे। सर्व करने के लिए ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। बीच में मैंने एक चेरी ऐड कर दिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।